नमस्कार दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा गृह युद्ध शुरू हो चुका है, भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। वहां पे पुलिस, आर्मी, आम जनता, सिया सुनी सब आपस में लड़ लड़ के मर रहा है। केवल दो घंटा में 30 से अधिक लोग मारा गया है। इतना ही नहीं, कई सारे पुलिस घायल हुआ दोस्तों, सैकड़ों आम लोग घायल हो चुका है और ये मामला खूब उलझता जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे तो पाकिस्तान में दोस्तों हजारों आदमी मारा जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने पूरी तरह से वहाँ पे इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी है, लॉकडाउन कर दिया है। और बड़ी बात है दोस्तों, पाकिस्तान में ये आग इतना भड़क गया ना, पाकिस्तान का जो भी नेता है सब अब मैदान में आ चुका है। इमरान खान को लग रहा है कि हमारा अंत न हो जाए। बहुत बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान में ये आग अचानक उठा है। जो पाकिस्तान कल तक बोला था कि हम भारत को हरा दिए, हम वर्ल्ड कप जीत लिए, हम तो बादशाह है, हमने इतिहास रचा है, दोस्तों पाकिस्तान कल तक अपना औकात भूल गया था। हम लोगों ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हमेशा हराया है, लेकिन एक बार मौका मिला और वो कूद कूद के पागल हो रहा था दोस्तों। उसी पाकिस्तान में अब भयंकर आग लग चुका है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है और क्यों सिया सुनी आपस में लड़ रहा है, आखिरकार क्या हुआ है, मैं आपको एक एक बताऊंगा। पूरा खबर देखते रहे दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग के लिए बहुत ही आरामदायक बात है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ कुछ होता है ना तो इससे फायदा हम लोग को मिलता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे, भाई ये क्या बात हुआ, हमारे पड़ोसी देश में लड़ाई हो रहा है, लोग मर रहा है और हम बोल रहे हैं कि हमें खुशी मिल रहा है, भारत के लिए अच्छी बात है। दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। दुनिया में तमाम देश अपना स्वार्थ चाहता है, यही पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकवादी फैलाता है, चाइना के थ्रू दोस्तों फंड करवाता है, नक्सली को पैसा देता है। इतना ही नहीं, कश्मीर में हर समय दोस्तों आतंकवाद फैलाता है। तो हम लोग पाकिस्तान में जो हो रहा है ना उस पर खुश होना हम लोग को लाजमी है, ठीक है। यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट की बात नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है कि अरे भाई मानवता के लिए सोचो, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या ये मानवता नहीं है? भारत में जो आतंकवादी आता है सैकड़ों को उड़ाता है, ये खास तौर पर मानवता नहीं है। इसीलिए दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी पाकिस्तान भर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई मित्र कमेंट में लिखी ये मानवता के खिलाफ हो गया, हम पाकिस्तान के माहौल खराब पे हम हंस रहे हैं, हम मजाक उड़ा रहे हैं, ये गलत बात दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब चल जानते हैं हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों पाकिस्तान में 80% पता क्या है, सुन्नी है दोस्तों, क्या है, सुन्नी लोग हैं। और 20% क्या है, सिया है। सिया सुन्नी का झगड़ा दोस्तों हमेशा से है, ऐसा नहीं पिछले 1400 वर्ष से, ठीक है। सिया सुन्नी आपस में लड़ता भी है और मरता भी है दोस्तों, ये ट्रैक रहा है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान में एक अलग आग उठ चुका है। दरअसल आप जानते हैं पाकिस्तान में एक जिला जिसका नाम है कुर्रम जिला, दोस्तों कुर्रम जिला में खैबर पख्तून है, ठीक है। खैबर पख्तून में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल दो गुट में झड़प हो गया है। एक गुट का कहना है कि हमारे सिया पे अत्याचार हो रहा है, एक ग्रुप कह रहा है कि सुन्नी पे अत्याचार हो रहा है, और दोनों दोस्तों हथियार उठा लिया है और दोनों एक दूसरे का कत्ल कर रहा है, मार रहा है। अब यहाँ पे सुन्नी का कहना है कि भाई हमारे जो संसाधन है, जंगली इलाका है जहाँ पे लकड़ियाँ है, उस पर अब कब्जा सिया लोग कर रहा है। दोस्तों खैबर पख्तून में जो भी लोग हैं वो कबायली है, वो आदिवासी है, ठीक है, ट्राइबल है। सिंपल से बात करें तो ये कबायली लोग आपस में लड़ रहा है, बोल रहा है कि हम सिया को यहाँ पे बाहुबल नहीं होने देंगे, केवल 20% है वो हम पे राज करेगा। और दोस्तों इसीलिए दोनों में मार भयानक तरीके से हो रहा है। यहाँ पे जो पुलिस गए ना उसका भी कहानी खत्म हो रहा है। और अब तक वहाँ पे दोस्तों सैकड़ों लोग घायल हो चुका है, 15 से लेकर 20 लोग वहाँ पे मारा जा चुका है। कह सकते हैं कि पुलिस वाला भी दोस्तों, कई सारा पुलिस वाला मारा जा चुका है। कह सकते हैं कि ये आग और बढ़ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने ओपनली उस पूरे इलाका को सील कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है और वहाँ पे हासिल पे इंटरनेट सुविधा बंद कर दिया है। और दोस्तों ये आग केवल 2 दिन और बढ़े ना तो देखेंगे पूरे पाकिस्तान में सिया सुनी हो जाएगा, हजारों लोग चंद सेकंडों में सुहा हो जाएगा। दोस्तों ये घटना बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे 15-20 लोग मर रहे हैं केवल कुछ घंटों में, आखिरकार पाकिस्तान सरकार कर क्या रहा है? दोस्तों पाकिस्तान में 2 जगह पे गृह शुरू हुआ है, एक तो खैबर पख्तून में, ठीक है, जहाँ पे सिया सुन्नी का झगड़ा है, दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं एक पार्टी है, तरीके लबेक पार्टी। दोस्तों
इस तरीके लबेक को पाकिस्तान में सब पसंद करता है। पाकिस्तान में 80% लोग आज तरीके लबेक को पसंद करता है, बोलता है कि ये तो मुस्लिमों के लिए मसीहा है। और दोस्तों भविष्य में ये तरीके लबेक पार्टी पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि ये कट्टरवाद है। और यही तरीके लबेक ने खासतौर पर फ्रांस और पाकिस्तान का झगड़ा लगवाया। दोस्तों फ्रांस को भगाने वाला यही तरीके खासतौर पर लबेक है और उसका जो कार्यकर्ता है। अब हुआ क्या है, इमरान खान को लग रहा है कि इस तरीके लबेक को बैन करना जरूरी है, क्योंकि ये तरीके लबेक आने वाले समय में हमारा सरकार ख़त्म कर देगा, यहाँ पे कुछ भी करा देगा। और दोस्तों इसीलिए उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने का मांग कर दिया। और तरीके खासतौर पर लबेक का जो 300 से अधिक लोगों है ना, उसको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों तरीके लबेक का कम से कम 300 जो लोग है ना, वो अपने आप में टॉप क्लास का नेता था, लीडर था, मौलवी था, सबको जेल में बंद कर दिया। इसलिए पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है, जगह जगह युद्ध छिड़ा हुआ है। और बड़ी बात यह है, अब तक तरीके लबेक का भी कम से कम 12 से 13 लोग मारा जा चुका है। और पाकिस्तान का आर्मी भी दोस्तों कम से कम 5 से 7 आर्मी मारा जा चुका है और सैकड़ों लोग घायल हो चुका है। यानी कि दोनों हम बात करेंगे, एक तरफ तरीके खासतौर पर लबेक, दूसरी ओर सिया सुनी, दोनों मिला ले तो अब तक पाकिस्तान में कम से कम 40 से 45 लोगों का दोस्तों मौत हो चुका है और भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि एक तरफ खैबर पख्तून में झगड़ा हो रहा है, दूसरी ओर तरीके लबेक झगड़ा कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी का औकात पूरी तरह से सब दिखा रहा है, ध्वस्त कर रहा है। और ये गृह युद्ध इतना खतरनाक रूप ले लिया ना, पाकिस्तान को कुछ समझ में आई ना कि हम करें क्या। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए इमरान खान वहाँ के जो गृह मंत्री है शेख रशीद सब परेशान है कि आखिर हम करें तो करें क्या। और सब ने दोस्तों तरीके लबेक के सामने में हथियार टेक दिया, बोल दिया है कि हम तरीके लबेक से हार गए हैं, तरीके लबेक जो करेगा वही करेंगे। दोस्तों तरीके लबेक का जो भी 350 जो बड़े बड़े लीडर था, इमरान खान ने सबको छोड़ दिया है, बिना शर्त को बोला कि जाओ तुमको जो करना करो। तरीके लबेक फिर भी नहीं मान रहा है, अब बोल रहा है कि नहीं अब आपकी बार आर्य पार होगा, हम पाकिस्तान से खासतौर पर लोकतंत्र खत्म ही कर देंगे, हम पूरी तरह से पाकिस्तान में छा जाएंगे। आप बोलेंगे पाकिस्तान में जब ये माहौल बना हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत क्या कर रहा है। दोस्तों भारत यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, भारत चाहे ना अभी तो आराम से पाकिस्तान को तोड़वा सकता है। अब जानते हैं ऑलरेडी जो बलोच आर्मी है ना, बलोच आर्मी तैयार है कि हम पाकिस्तान पर हमला करें, कोई हमें हथियार दे। दोस्तों हम लोग आराम से अभी बलोच आर्मी को हथियार दे के पाकिस्तान पर अटैक करवा सकते हैं और पाकिस्तान का औकात दिखवा सकते हैं। दूसरी ओर सिंध के लोग बोल रहा है कि पाकिस्तान से हम अलग हो जाएंगे, हम लोग चाहे तो सिंध में दोस्तों समर्थन दे सकते हैं और पाकिस्तान में सिंध में हम लोग विद्रोह फैलवा सकते हैं। इतना ही दोस्तों, TTP है ना, तरीके तालिबान है पाकिस्तानी दोस्तों, वो भी चाहता है कि भारत हमें मदद करे, पाकिस्तान को हम पूरी तरह से विनाश कर दे। सिंपल से बात करें, जो पाकिस्तान पूरी तरह से अस्थिर हो चुका है, वहाँ पे एक बार और भयंकर चाल चलना चाहिए, पाकिस्तान को हमेशा मदद के लिए सर्वनाश करना ही चाहिए। बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तानी थिंक टैंक, पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी आर्मी जनरल सब बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है ना, चाहे सिया सुनी का मार हो या फिर यहाँ पे तरीके लबेक का झगड़ा हो, सबके पीछे भारत का हाथ है। भारत ने यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चला है, भारत ने हम लोगों को बर्बाद किया है, भारत से हम बदला लेंगे। दोस्तों पाकिस्तानी बोल रहा है कि हम लोगों क्रिकेट में जीत गए हैं, हम लोगों क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीते हैं, भारत इसीलिए गुस्साया हुआ है और यहाँ पे हंगामा फैला रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है, जैसी करनी वैसी भरनी पाकिस्तान भर रहा है,